प्लास्टर की दुनिया में अपना नाम कमाने वाली कंपनी सकरनी बाजार में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आई है जिसका नाम है जिप्सम बोर्ड। हाल ही में सकरनी प्लास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक मेगा लॉन्च इवेंट में अपने नए उत्पाद जिप्सम बोर्ड की लॉन्चिंग बड़े पैमाने पर दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी पहुंचे। साथ ही इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सकरनी से जुड़े कारोबारियों ने भी हिस्सा लिया। तो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमें $5 trillion इकोनॉमी जल्दी हमें करनी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो काम करते हैं लोग हैं उनको अपनी R&D को बढ़ाना चाहिए और लगातार R&D को बढ़ा करके नए नए इनोवेशन जैसे स्टार्टअप जैसी चीजें भी इस देश में आगे बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन उद्योग में नई तकनीकी और उन्नति के साथ भविष्य में कदम रखते हुए सकरनी ने जिप्सम बोर्ड का उत्पादन शुरू किया है। कंपनी ने नॉर्थ इंडिया के अंदर एक प्लांट लगाया जो जगह निमराना में स्थित है ये, और ये जो प्रोडक्ट है आज की डेट के अंदर करीब 4 लाख बोर्ड पर मंथ हम लोग लगाते हैं और आज उसका लॉन्चिंग है। हालांकि ये प्लांट 4 साल से लग रहा है, अब ये पूरी तरह से अपनी प्रोडक्शन में आ गया है और परफेक्ट क्वालिटी इसकी मार्केट में दे पा रहे हैं। तो आज इसका प्रॉपर तरह लॉन्चिंग था, हमने एक जो है विधिवत तरीके से इसका आज उद्घाटन किया है। सकरनी जीप्स कार्टन जिप्सम बोर्ड 3 विभिन्न वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध है, रेगुलर बोर्ड, फायर लाइन बोर्ड और मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। फॉरेन के अंदर आज के समय के अंदर हर बिल्डिंग, हर होटल, हर घर के अंदर अल्टीमेटली जिप्सम बोर्ड का इस्तेमाल होता है। इंडिया के अंदर ये कल्चर जस्ट स्टार्ट हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कुछ समय के बाद जिप्सम बोर्ड हर घर में लगेगा और हर घर में इसको पहुंचा पाएंगे। पिलर हमारे मजबूत होना चाहिए तो इरादे हमारे बढ़ते हैं और इसलिए अशोक जी ने बहुत प्रयास इसके लिए किया और इस मुकाम तक पहुंचा है, मैं तो शुभकामना देने के लिए आया हूं। सकरनी सदा ही ग्राहकों की मांगों के साथ जुड़े रहने का लक्ष्य रखता है। सकरनी ने कनोडिया ग्रुप के साथ मिलकर इजी बिल्ड नाम से ऐप भी लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि इस ऐप के द्वारा घर बनने से पहले ग्राहकों को अपने बजट के अनुसार अपने सपनों के घर को विजुअलाइज करना आसान होगा। देखिए, कंपनी आज की डेट के अंदर मकान बनाने में 2 चीजें काम करती है, एक उसकी शुरुआत और एक आखिर। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो मकान की शुरुआत में लगते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो एंड के अंदर लगते हैं। अगर मैं बातचीत करूँ पेंट की, मैं बातचीत करूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ये एंड के अंदर लगते हैं। आज के डेट के अंदर सकरनी ब्रांड मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कस्टमर का विश्वास जो है वो अपना बना पाया है। उस एंगल से ये कंपनी जो है, मतलब इवन देन शुरू से लेके आखिर तक सारे प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन के जो है प्रोवाइड कराएगी और हम लोग दे पाएंगे। हमारा आज जो है इजी बिल्ड के नाम से एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग। ये ऐप कैसे करेगी, कस्टमर तक हम लोग क्या क्या फैसिलिटी देंगे, मेरे साथ है विकास कनोडिया जी जो चेयरमैन है कनोडिया ग्रुप के, वो शेयर करेंगे कि किस तरीके से मार्केटिंग करने के तरीके बदल लेंगे। जैसे आप देखते हैं कि हर प्रोडक्ट ऑनलाइन आज की डेट के अंदर है, ये इनका विजन है कि कस्टमर जो है किस तरीके से परचेज करेगा। वो दुकान का कल्चर जो है धीरे धीरे आने वाले समय में खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मेरी जो स्पेशलिटी है मैं उस काम में काम करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आउटसोर्स करके उस काम को करूँ तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री अनऑर्गनाइज है, इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंज्यूमर, रिटेलर और मैसन सबको सही दाम पे सही माल मिले, वो अपने सपनों का घर अपने बजट के अंदर बना सके और साथ ही साथ जो मैसन भाई लोगों की प्रॉब्लम है उनको कोई अपग्रेड नहीं करता है। इसके लिए हम लोग जो मेटावर्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको अपना घर विजुलाइज हो जाएगा। मतलब ऐसा हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में इस इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है कि बनने के पहले आप अपने घर को रियल फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके सबस्यूट देख सकते हैं। ये गेम चेंजर होने वाला है पूरी इंडस्ट्री के लिए। उसकी कॉस्टिंग में आ सकते हैं, आपको लगता है कि मेरा बजट 10 लाख रुपए का है तो 10 लाख में क्या बन के आएगा, आपको लगता है मेरा बजट 1 करोड़ रुपए का है तो 1 करोड़ में किस तरीके घर बन के आएगा। मतलब अभी मेरा प्लानिंग, आज मुझे घर बनाना है, 100 गज का मकान है, कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, तो अभी देख सकते हैं। आज हम लोग सारा चीज काम कर रहे हैं। मेरा ऐप अभी लॉन्चिंग फेज में है, विद इन द मंथ ये लॉन्च हो जाएगा, वो कंज्यूमर और रिटेलर दोनों के लिए होगा। साथ ही ये नेशन को डेवलप करने में भी हेल्प करेगा, हम लोग लॉजिस्टिक की एक सेविंग करेंगे जिससे एनवायरमेंट, फ्रेट ये भी सेव होंगे।